नमस्कार बच्चों, आज हम आपको दो सदिशों का अदिश गुणन और दो सदिशों का सदिश गुणन इसके बारे में हम आपको बताएंगे। इससे पहले हम आपको सदिशों का जोड़ना, सदिशों का घटाना, सदिशों का वियोजन ये सारा बता चुके हैं। तो यहाँ पर हम आपको दो सदिशों का अदिश गुणन और दो सदिशों का सदिश गुणन, दो प्रकार से सदिशों का गुणा करते हैं। एक होता है सदिशों का सदिश गुणा और दूसरा होता है सदिशों का अदिश गुणा। ये दोनों ही गुणा करना हम बताएंगे किस तरह से करते हैं, पहले तो इसके बारे में हम समझाएंगे। इन पर अगर सवाल भी होते हैं उन्हें अभी फिर हम आगे आने वाली वीडियो में आपको बता देंगे। तो दो सदिशों का अदिश गुणा, दो सदिशों के अदिश गुणन का एक नाम और होता है स्केलर गुणन। दो सदस्यों के अदिश गुणन को एक और बोला जाता है, नाम होता है स्केलर गुणन, या फिर इसी का एक दूसरा नाम होता है डॉट प्रोडक्ट। इसी का दूसरा नाम होता है डॉट प्रोडक्ट। इसी तरह से दो सदस्यों का जो सदिश गुणा होता है उसका दूसरा नाम होता है वेक्टर गुणन, या फिर उसे बोला जाता है क्रॉस प्रोडक्ट, उसे हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो सबसे पहले तो हम दो सदिशों का अदिश गुणा पढ़ेंगे, उसके बारे में हम सदिश बताएंगे। तो दो अगर सदिश राशियां हैं उनका हमें अदिश गुणा करना है, या आ सकता है दो सदिशों का अदिश गुणन, या पूछा जा सकता है दो सदिशों का स्केलर गुणन, या पूछा जा सकता है दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट। क्या होता है, कुछ भी चीज आ जाए। तो कोई भी दो सदिश राशियां हैं, जैसे मान लो यहाँ पर दो सदिश राशि है वेक्टर ए और वेक्टर बी, कोई भी सदिश राशि होती है उसके ऊपर वेक्टर लगा होता है। यहाँ पर दो सदिश राशि है वेक्टर ए और वेक्टर बी, इन दोनों सदिश राशियों का हमें अदिश गुणा करना है। अदिश गुणा करने का मतलब है कि स्केलर गुणन करना है, या फिर क्या करना है डॉट प्रोडक्ट है। तो बीच में लगाया जाता है डॉट, जब दो सदस्यों का अदिश गुणा करते हैं तो बीच में लगता है डॉट, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इस तरह से पढ़ते हैं, डॉट प्रोडक्ट है इसलिए डॉट लगेगा। तो दो सदस्यों का जब हम अदिश गुणा करेंगे, यहाँ पर दो सदस्य हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी, इनका हम अदिश गुणा कर रहे हैं। तो अदिश गुणा करने पर कोई भी, जैसे मान लो हम दो में तीन का गुणा करते हैं, तो दो में तीन का गुणा करेंगे छः मिलेगा। तो जब भी कोई दो संख्या का गुणा करेंगे कोई एक तीसरी संख्या मिलेगी। तो इसी तरह से यहाँ पर जब दो सदिश राशियों का गुणा करेंगे तो कोई एक तीसरी राशि मिलेगी। तो जो वो तीसरी राशि आएगी वो अदिश राशि होगी। तो जब भी कोई दो सदिश राशियों का अगर हम अदिश गुणा करते हैं तो अदिश गुणा करने पर हमें प्राप्त होती है अदिश राशि। कौन सी राशि प्राप्त होती है, अदिश राशि। सीधा शॉर्ट ट्रिक है याद करने की, अगर दो सदस्यों का अदिश गुणा करते हैं तो गुणा करने पर अदिश राशि प्राप्त होती है, और अगर दो सदस्यों का सदिश गुणा करते हैं तो गुणा करने पर हमें सदिश राशि प्राप्त होती है। मतलब सदस्यों का जो भी गुणा करते हैं गुणा करने पर वही राशि हमें प्राप्त होगी। तो दो सदस्यों का अदिश गुणन एक अदिश राशि है, जिसका परिमाण जब गुणा करेंगे तो गुणा करने पर एक राशि प्राप्त होगी, उसका कुछ मान होगा, वो मान कितना होगा, दोनों वेक्टर जो भी दो सदिश दिए गए हैं उनके परिमाण। तो हमने बताया था जैसे वेक्टर ए है, इसके परिमाण को हम केवल ए से ले सकते हैं या फिर मॉड वेक्टर ए से। तो उन दोनों वेक्टर के परिमाण, तो वेक्टर ए का परिमाण ए, वेक्टर बी का परिमाण बी, तथा इनके बीच बने कोण, जैसे मान लो ए है सदिश वेक्टर ए, दूसरा है वेक्टर बी, इनके बीच मान लो थीटा कोण बना है, तो उनके बीच बने कोण की कोज्या, कोज्या मतलब कोस, की गुणनफल के बराबर होता है। ये होता है, एक बार फिर से समझेंगे। जब भी हम दो सदस्यों का अदिश गुणा करते हैं तो गुणा करने पर अदिश राशि प्राप्त होती है, और उन दोनों सदस्यों का जो परिमाण आता है गुणा करने पर वो क्या होता है, दोनों सदस्यों के परिमाणों, तो वेक्टर ए का परिमाण ए, वेक्टर बी का परिमाण बी, तथा इनके बीच बने कोण, तो इन दोनों सदस्यों के बीच जितना कोण बना होगा उनकी कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ये होता है सदस्यों का अदिश गुणा। जैसे कार हम निकालते हैं W, तो W जब निकलता है तो बल गुणा विस्थापन होता है, बल सदिश राशि, विस्थापन सदिश राशि है। जब बल और विस्थापन का गुणा करते हैं तो कार्य प्राप्त होता है, वो कार्य अदिश राशि है। तो यहाँ दो सदिश राशियों को गुणा करने से तीसरी अदिश राशि प्राप्त हो रही है, इसलिए इन दोनों सदिश राशियों को किया जाएगा डॉट प्रोडक्ट। जब भी दो सदस्यों का गुणा करने पर अदिश राशि प्राप्त हो तो वहां पर उसका होता है अदिश गुणा, या स्केलर गुणन, या फिर डॉट प्रोडक्ट। इसलिए एफ और डी का हम जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट करने पर हमें कार्य प्राप्त होगा, और इसे हम जैसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को ए बी कॉस थीटा लिखेंगे, ऐसे वेक्टर और एफ डॉट वेक्टर डी को लिखेंगे एफ डी कॉस थीटा। एफ होगा वेक्टर एफ का परिमाण,
वेक्टर डी होगा मतलब डी होगा वेक्टर डी का परिमाण और थीटा होगा एफ और डी के बीच बनने वाला कोण। ये होता है दो सदिशों का अदिश गुणन। अब हम समझेंगे दो सदिशों का सदिश गुणन। तो दो सदिशों का सदिश गुणन क्या होता है? जब हम दो सदिश राशि, जैसे हमने यहाँ ले ली दो सदिश राशि है वेक्टर ए और वेक्टर बी, इन दोनों सदिश राशियों का हमें करना है सदिश गुणा। सदिश गुणा या उसी का एक दूसरा नाम होता है वेक्टर गुणा, या उसी को हम कह सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। जब भी दो सदिशों का सदिश गुणा करेंगे तो बीच में लगा होता है क्रॉस। इन दोनों सदिशों का जब गुणा करेंगे तो गुणा करने पर एक कोई तीसरा मान प्राप्त होगा, तो तीसरा मान जो प्राप्त होगा वो राशि होगी सदिश राशि। तो जब दो सदिशों का सदिश गुणा करते हैं तो गुणा करने पर हमें सदिश राशि प्राप्त होती है, और इन दोनों सदिशों का गुणा करने पर जो राशि प्राप्त होती है उसका जो मान होता है वो इन दोनों सदिशों के परमाणु, तो वेक्टर ए का परमाणु ए, वेक्टर बी का परमाणु बी, तथा इनके बीच बने कोण, तो मान लो इनके बीच कोण कितना बना हुआ है थीटा, की जिया, जिया मतलब लगाया जाता है साइन, कॉस, जिया में कॉस और जिया में साइन, के गुणनफल के बराबर होता है। अब इसमें एक चीज और आ जाती है, क्योंकि हमें पता है जब दो सदिशों का सदिश गुणा करते हैं तो गुणा करने पर सदिश राशि प्राप्त होती है, और सदिश राशि में परमाणु तो होता ही है साथ में उसकी दिशा भी होती है। यहाँ पर दो सदिशों का अदिश गुणा कर रहे थे तो अदिश गुणा करने पर अदिश राशि प्राप्त हो रही थी। अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, इसलिए केवल परिमाण निकल के आ रहा था। यहाँ पर दो सदिशों का सदिश गुणा कर रहे हैं तो सदिश गुणा करने पर परिमाण तो मिलेगा ही, साथ में हमें उसकी दिशा भी बतानी पड़ेगी। तो दो सदिशों का जब सदिश गुणा करेंगे तो गुणा करने पर सदिश राशि प्राप्त होगी, और इन दोनों सदिशों का जब गुणा करेंगे तो गुणा करने पर जो राशि प्राप्त होगी उसका परिमाण दोनों वेक्टर के परमाणु और इनके बीच जो कोण बनता है उसकी जिया के गुणनफल के बराबर होता है। अब इसमें जो दिशा होती है वो दिशा दोनों वेक्टर के तल के लंबवत होती है। यहाँ पर जो दो वेक्टर दिए गए हैं इन दोनों वेक्टर के तल के लंबवत, जैसे मान लो एक वेक्टर ए है जे, दूसरा वेक्टर बी है, इन दोनों के बीच हम देखते हैं कोण कितना बना है थीटा, इन दोनों को हम कर रहे हैं डॉट सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट यानी सदिश गुणा। तो ये दोनों वेक्टर इसी साइन बोर्ड में बना दिए हैं तो इसका तल यही साइन बोर्ड हो जाएगा, तल के लंबवत यानी यहाँ क्यूर हो जाएगी इसकी दिशा। अब यहाँ क्यूर हम दिशा तो बना नहीं पाएंगे इसलिए इसकी दिशा हम इस तरह से बना देंगे, और दिशा को किया जाता है प्रदर्शित एन कैप से। एन कैप से क्यों प्रदर्शित कर रहा है? ऊपर कैप लगा है, ऊपर कैप लगाने का मतलब होता है कि ये वेक्टर जो है वो एकांक वेक्टर है, और जब वेक्टर एकांक होता है तो एकांक वेक्टर का मान होता है एक, एकांक वेक्टर का मान कितना होता है एक, और अगर इसे इसके साथ लगा भी दें तो इसका इसमें गुणा है, मान तो इसका एक है, और एक का जब किसी में गुणा करते हैं तो क्या कोई फर्क पड़ता है? एक का गुणा करने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, इसीलिए दिशा जो है वो एन कैप से प्रदर्शित की जाती है, और उसे उसके साथ में भी लगा दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका मान एक होता है। अब कैसे निकालते हैं दिशा? जैसे मान लो आपने तीन अक्षर पढ़ी है, एक एक्स होती है, दूसरी वाई होती है, और तीसरी जेड, जेड जो होती है वो ऊपर की ओर होती है। अगर मान लो वेक्टर ए एक्स अक्ष में है, वेक्टर बी वाई अक्ष में है, तो एक्स और वाई अक्ष में एक्स वेक्टर ए और वेक्टर बी हो गए। तो अब इन दोनों वेक्टर के अगर लंबवत देखा जाए तो लंबवत इसकी कौन सी अक्ष होगी? जेड, और जेड अक्ष के लिए एकांक वेक्टर होता है के कैप। तो यहाँ जो दिशा होगी वो एन कैप की जगह आ जाएगा के कैप, क्योंकि इन दोनों वेक्टर के तल के लंबवत दिशा होगी। तो एक एक्स अक्ष में है, दूसरा वाई अक्ष में है, तो इसके तल के लंबवत जो अक्ष होगी वो जेड अक्ष होगी, और जेड अक्ष में एकांक वेक्टर के कैप होता है। अब देखो अगर मान लो एक वेक्टर एक्स अक्ष में होता दूसरा जेड में होता तो दो वेक्टर एक्स और जेड में हो गए, तो फिर एक्स और जेड के अगर लंबवत देखा जाए तो लंबवत वाई अक्ष होगी, और वाई अक्ष के लिए होता है आई कैप सॉरी जे कैप। अगर मान लो एक्स अक्ष में आ जाए, मान लो एक वेक्टर वाई में हो दूसरा जेड में हो, तो फिर इसके लंबवत अक्ष एक्स अक्ष होगी, तो उसके लिए सदिश लगा दिया जाएगा आई कैप, मान तो इसका एक होता है, तो साथ में अगर लगा भी दिया जाए इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल ये हमें दिशा बताएंगे। जैसे अब आगे आप लोग पढ़ोगे बलाघूर्ण, टू से लिखा जाता है, टू जो बलाघूर्ण मिलता है वो दूरी और बल का गुणा करने से मिलता है, बल और विस्थापन का, बल और विस्थापन दोनों सदिश राशि है, इनका अगर गुणा करते हैं तो बलाघूर्ण मिलता है, और बल आघूर्ण भी सदिश राशि है, इसलिए इन दोनों का किया जाता है क्रॉस प्रोडक्ट। यहाँ भी बल और विस्थापन का गुणा कर रहे हैं, अगर बल और विस्थापन का अदिश गुणा करते हैं तो कार्य मिलता है, और अगर बल और विस्थापन का अगर सदिश गुणा करते हैं तो हमें बलाघूर्ण मिलता है, इसलिए इसमें बीच में क्रॉस लगाते हैं, या इसे हम ऐसा भी ले सकते हैं आर एफ साइन थीटा। जैसा जो भी होगी वही, अगर एक्स अक्ष में है तो आई कैप, वाई में है तो जे कैप, और जेड अक्ष में है तो के कैप, वही जैसा एन कैप की जगह पे हम रख देंगे।
तो ये था आपका सदिश गुणन और सदिश गुणन।